क्वेश्चन नंबर टू ऑफ एक्सरसाइज 13.1। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर। हॉलो हेमिस्फीयर के फॉर्म के अंदर एक वेसल है जो माउंटेड है बाय अ हॉलो सिलेंडर, और इसके ऊपर क्या है, एक हॉलो सिलेंडर है। ये नीचे हॉलो हेमिस्फीयर और ऊपर इसके ऊपर क्या है, हॉलो सिलेंडर, तो इसलिए इसको बोला माउंटेड। माउंटेड मतलब ऊपर कोई और फिगर होना। तो ये जो हेमिस्फीयर है इसका डायमीटर दे रखा है, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। जब डायमीटर 14 सेंटीमीटर दे रखा है तो उससे हम रेडियस निकाल लेंगे, डायमीटर डिवाइड बाय 2। तो देखो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कैसे निकलेगा, डायमीटर डिवाइड बाय 2। तो 14 सेंटीमीटर को किससे हम डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 सेंटीमीटर विल बी आवर रेडियस। आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, यानी कि ये पूरा जो डायग्राम है ना इसकी टोटल हाइट दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो हमको पता है कि हेमिस्फीयर का रेडियस क्या आ गया, 7 सेंटीमीटर। तो हेमिस्फीयर की हाइट भी क्या होगी, रेडियस के बराबर ही होगी। इट मीन्स हाइट विल बी इक्वल टू रेडियस विच इज 7 सेंटीमीटर। तो जब इस हेमिस्फीयर की हाइट 7 सेंटीमीटर आ गई, तो टोटल हाइट में से अगर ये 7 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे तो ये बचा हुआ जो सिलेंडर है ना ऊपर वाला, इसकी हाइट आ जाएगी। तो वही अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो h विल बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर, कैसे निकलेगी, टोटल जो ये जो टोटल हाइट है वो है 13 सेंटीमीटर, उसमें से हम ये 7 सेंटीमीटर जो रेडियस है वो माइनस कर देंगे, तो हाइट क्या आ जाएगी हमारी 6 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर ऑफ द सिलेंडर। तो देखिए जो रेडियस हमारे इस हेमिस्फीयर का है वही रेडियस हमारे सिलेंडर का भी होगा। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर सरफेस एरिया निकालना है, इट मींस हमको सरफेस एरिया ऑफ वेसल निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, देखियो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ दिस होल वेसल आ जाएगा। तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ द वेसल विल बी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, क्योंकि स्फीयर को आधा काटते तो ही तो हेमिस्फीयर बनता है। तो जो भी स्फीयर को आधा काटते हैं तो हेमिस्फीयर बनता है। तो जो भी स्फीयर का हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया अगर उसको हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे, मतलब हाफ कर देंगे, तो वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो देखो 2πRh ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, हाफ ऑफ स्फीयर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो स्फीयर का होता है 4πR², तो उसका हाफ यानी कि 2πR² ये हो जाएगा। अब बस हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, r मतलब रेडियस, h मतलब हाइट, और पाई की वैल्यू हम 22/7 यूज कर लेंगे। इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं हम, इसमें से देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, पाई आ रहा है और एक r आ रहा है। तो यहां तो सिर्फ h बच जाएगा और यहां एक r बच जाएगा ब्रैकेट में। तो ये फॉर्मूला बन गया। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, r की जगह हमारा 7, एच की जगह हमारी हाइट क्या निकली थी 6 प्लस, और हमारा रेडियस क्या था 7, ठीक है। और ये हमारा सेंटीमीटर है और ये दोनों भी क्या है, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। तो देखिए क्या हो जाएगा, 7 से 7 कट हो जाएगा, तो 44 सेंटीमीटर ये आ जाएगा, क्योंकि 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट वाला जो ये है 6 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आएगा 572, और सेंटीमीटर और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। थैंक यू वेरी मच।